लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना सा था कि सुबह चोर की आंधी आई थी। फांसी से कुछ रोज पहले जब भगत सिंह फांसी घर को जाने वाले रास्ते पर ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीम सेन सच्चर ने आवाज़ ऊंची कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह का जवाब था, इंकलाबियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। जेल की कठिन जिंदगी। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लीवनेक की मिलिटरिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और अपटन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बमुश्किल उसमें लेट पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा था कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताबें दी तो वो वे उसी समय पढ़ने लगे मानो उनके पास अब ज़्यादा समय बचा ना हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुँचा दे जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे तो राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने कुछ महीने पहले उसे दिया था। मेहता के जाने की थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि वो उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे कि उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाएं, लेकिन बेबे भगत सिंह की यह इच्छा भी पूरी नहीं कर सके क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे फांसी देने का फैसला ले लिया गया और बेबे जेल के गेट के अंदर ही नहीं घुस पाया। जेल वार्डन चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांगूंगा तो वे कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए ये माफ़ी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती कुछ पदचापें सुनी। उनके साथ भारी बूटों के ज़मीन पर पड़ने की आवाज़ें भी आ रही थीं। साथ में एक गाने का भी दवा स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था लेकिन फांसी देने वाला काफ़ी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह के शहीदी दिवस पर यह विशेष संस्मरण था। आपको हमारा ये संस्मरण कैसा लगा, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद करते हुए आज पूरा देश उन्हें सत सत नमन कर रहा है। जय हिंद।